मैं दीपक अग्रणी माहेश्वरी, आपका मेरे और आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टेलीग्राम चैनल पर आज हमने सुबह ही मॉर्निंग में आपको लिख दिया था कि आज ब्लड बहुत होगा, यानी खून बहेगा मार्केट में। पर इतना नहीं पता था कि इतना अनाप शनाप खून बह जाएगा, थोड़ा बहुत बहने की बात थी। बट सुबह सुबह मॉर्निंग में आपको मैंने हिंडाल्को का एक कॉल पोस्ट किया था टेलीग्राम पे, शायद आपने देखा होगा। और वो जो कॉल था 251 रुपीज से बाय करने की बात थी, और उसके और भी टारगेट्स है, जब आप वहां जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बट उसके बाद क्या हुआ उसमें, उसके बाद आपने देखा होगा कि वो जो शेयर था वो 259.75 रुपीज का हाई उसने वहां पर मारा, और मारने के बाद वो वापस 251 भी आया, देन उसके बाद भी उस लेवल को नहीं तोड़ा दोस्तों। तो दोस्तों इस घिरे हुए मार्केट में हिंडाल्को का शेयर जो मैंने वहां पोस्ट किया था वो चला ही चला, और उसके बाद भी वो नीचे नहीं आया दोस्तों। और इन सारे लेवल्स की बात हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सारे लेवल्स के नीचे ही मार्केट खुला, गैप डाउन था। बट हाँ, ये मैं कहना चाहूंगा कि दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि ये लेवल्स ये तो क्रूड है, ये लेवल्स आपके लिए छलावा। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा वॉल्यूम, इतनी बड़ी अच्छी अच्छी कैंडल्स सब दिखाने का था दोस्तों, और ये दिख रहा है आपको। और दिखने का क्या फायदा हुआ या क्या नुकसान, ये तो आप लोग जानते हैं दोस्तों। और दोस्तों आने वाले में समय में हम कुछ एक ऐसी वीडियो की बात करेंगे कि आपके लिए इंट्राडे बेस्ट हो सकता है या पोजिशनल या फिर क्या दोनों में से बेस्ट हो सकता है। तो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को जरूर समझ लीजिएगा कि क्या जरूरत है और क्या की चीजें उसके लगेगी दोस्तों। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई जैसे बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स भी टूट गए बट आज क्लोज हुआ और ऊपर था। अगर मैं उसके आपको लेवल्स की बात करूं तो हमने 25,180 पे बाय करने की बोली थी और 25,050 था, तो भी ये लेवल्स नीचे के साइड से ही खुले और नीचे ही रहेगा, तो हमारे लेवल्स किसी काम के रहे नहीं। बट मार्केट ने गैप डाउन खुला और गैप डाउन ही क्लोज हो गया। अभी यहाँ पर ये दिखा रहा है कि मार्केट 10,631 के आसपास का निफ्टी का फ्यूचर का क्लोजिंग है दोस्तों। तो अब कल क्या कर सकते हैं, क्या हमें ट्रेड लेना है या नहीं लेना है दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी बात है इस मार्केट में। क्योंकि अब लेवल्स ऐसे भी हैं कि अगर घूमेंगे मार्केट तो इतना तेज भी घूम सकता है और ना भी घूमे, बट वही है कि मार्केट में होगा क्या। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि भाई अगर आपको लेवल्स कल के हिसाब से अगर ट्रेड करना है तो हम सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी अगर अब 10,655 रुपए के ऊपर मिलेगा दोस्तों तो ही हम कह सकते हैं, क्योंकि आज का क्लोजिंग 10,631, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगा दोस्तों तो ही हम सोच सकते हैं कि भाई ये लेवल्स आपको मतलब आपको ये भाव आ सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपको 10,680, 10,695 और 10,720 तक के टारगेट दिख सकते हैं दोस्तों। बट उसके लिए आपको स्टॉप लॉस तो जरूर मेंटेन करना पड़ेगा, और वो स्टॉप लॉस होगा दोस्तों आपका 10,600 के नीचे, यानी ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 10,590 पकड़ के चलिए आप दोस्तों, ठीक है। वही मैं 1:1 की बात करूंगा, यहाँ पर सेल साइड में तो बहुत बड़े बड़े टारगेट आ जाते हैं बट बाई साइड में आ नहीं पा रहे। और अगर हमको 10,000 निफ्टी सेल करने को मिलेगा तो मैं कहूँगा 10,580 के नीचे अगर हमें सेल करने को मिलता है देन वी विल सी ट्रिपल 560 and 540 then 510, बट यू नीड टू मेंटेन स्टॉप लॉस दोस्तों अबोव 665, ठीक है। मैं ऐसे रेट्स आपको इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉशियस होकर चलना पड़ेगा दोस्तों मार्केट में। और अगर हम बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की क्लोजिंग की बात करें तो अगर उसने क्लोजिंग दिया है 24,662 के आसपास का कुछ क्लोजिंग है दोस्तों, और क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से भी अगर हम कंसिडर करें तो एक नहीं होता, बट मेरे को मेरे चार्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो क्या हो सकता है, मैं कहूंगा कि आपको 24,900 के ऊपर दिखे तभी ये बाय बनेगा, और उसके लिए आपको जो टारगेट होंगे वो 24,935, 24,980 and 25,000, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना होगा दोस्तों वो सिंपल है, 24,810 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा दोस्तों।
वैसे भी बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट आते देर नहीं लगती है और जाते भी देर नहीं लगती है दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अब आपको सेल करना है तो 24,800 के नीचे अगर आपको मिलेगा तभी आप इसको सेल कीजिएगा, देन योर टारगेट वुड बी 760, 760, 740 and 7410। एंड अगर और भी आ गए दोस्तों तो 7650 फिर तो मैक्स लिख दिया है मैंने यहाँ पर, अगर ये आएंगे तो, अदरवाइज तो मैं नहीं लगता कि इतना कुछ होने वाला है, बट कह नहीं सकते क्योंकि समय का भरोसा नहीं है, मार्केट में क्या धूम धड़क्का चल रहा है। तो स्टॉप लॉस यू नीड टू मेंटेन, क्योंकि हमने जब नीचे के इतने बड़े टारगेट लिए तो ऑब्वियस है कि हमें थोड़ा सा टारगेट ऊपर रखना पड़ेगा। तो मैंने आपके लिए ये मेंशन कर दिया दोस्तों। और अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड ने बावला कर रखा है सबसे बड़ी बात मार्केट वालों को, ये देखिए कहाँ घूम रहा है। और पिछले एक घंटे से, मतलब अगर आप बात करोगे दोस्तों एक घंटे से, तो ये एक रेंज में घूम घूम के, मतलब इसने कितने सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर का वांदा लगा दिया। देखिए 90 जाता है फिर नीचे आ जाता है, फिर जाता है फिर नीचे आ जाता है, फिर अभी देखिए 90 गया फिर 69 आ गया। देखिए मतलब कंटिन्यूस कहीं ना कहीं इसको प्रेशर है, ऊपर से सप्लाई आ जाता है, नीचे से डिमांड आ जाती है, और भी बहुत कुछ हो रहा है इसमें। बट सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए डॉलर और क्रूड दोनों भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट से पैसा जा रहा है और ये पैसा खींच रहे हैं, ठीक है। सब तरफ से वाट लग रही है दोस्तों। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ। हाँ, और अगर आप मेरे साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे कोड है जय महाकाल। और सबसे बड़ी बात, स्वच्छता भारत अभियान का हिस्सा बनिएगा और एक वृक्ष जरूर लगाइएगा इस धरती पर, ताकि आपके आने वाली पीढ़ी आपको याद रखे और वो ठंडी हवाएं और मधुर फल का स्वाद लुफ्त उठा सके, ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ अकाउंट ओपन करते हैं तो ज़रूर आप मेरे ग्रुप में ऐड होंगे, और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप सारे बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं, तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि ट्रेडर ट्रेड भी करते हैं और उनको प्रॉफिट भी होगा तो उन्हें मज़ा आ जाएगा दोस्तों। तो आप जुड़ सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं और काम कर सकते हैं हमारे साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ। अकाउंट ओपनिंग की डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है, आप उसे जाइए यूज़ कीजिए और साथ में जुड़िए। धन्यवाद।